राधे राधे दोस्तों, मैं अर्चना सक्सेना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल घर की रसोई में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ दानेदार बर्फी दूध की, जिसके लिए हमने ये 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। ये देखिए, आप लोग मलाई देख सकते हैं इसके ऊपर। और ये हमने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है, और हम इसमें से 4 टेबल स्पून चीनी लेंगे। हमको बस इतनी ही चीज़ों से अपनी बर्फी बनानी है दूध की दानेदार। तो चलिए, दूध को हम सबसे पहले बॉईल करते हैं फुल फ्लेम पर। ये देखिए दोस्तों, दूध में हमारे अच्छा बॉईल आ गया है। अब हम अपने दूध में दाने लाने के लिए इसमें हम चीनी डालेंगे। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो दानेदार बर्फी मिलती है, तो उसमें हलवाई लोग कोई टाटरी डालता है, कोई नींबू का रस डालता है, कोई लेकिन विनेगर डालता है, लेकिन हम इसमें ये 2 चुटकी चीनी के दाने डालेंगे 3 से 4 बार। बस 2 चुटकी डालने हैं हमको, दो दो चुटकी करके डालेंगे और इसको पकाएंगे इस तरह से चलाते हुए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें 2 चुटकी चीनी डाली थी, उसके बाद ये इस तरह से खोल के हुआ। ये देखिए, इसमें दाने इस तरह से दाने पड़ जाएंगे हमारे दूध में। और ये अब हम फिर 2 चुटकी चीनी डालेंगे और इसको बस हल्का हल्का ही हम चलाएंगे। अगर ज़्यादा तेज चला देंगे तो इसमें हमारे दाने नहीं पड़ेंगे। इस तरह से हमको तली में ही चलाना है, हमको इसी तरह से बीच में ही चलाना है, क्योंकि ये जो हमारी मलाई है चारों तरफ, इसे हमें मिक्स नहीं करना है इसमें। और बस बीच में ही चलाएंगे तो ये जो मलाई के दाने पड़ेंगे और कुछ हमारे ये दूध में चीनी डालने से जो दाने पड़ रहे हैं, इससे हमारी बर्फी बहुत ही अच्छी दानेदार बनेगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूध पकते पकते कितना कम हो गया है, और हम इसको बीच में ही इस तरह से चला रहे हैं, और इसकी मलाई को हम इधर ही इकट्ठे होने देंगे। अभी हमें इसे बीच में नहीं लेना है। और आप लोग ये दाने देख सकते हैं, यदि आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हो तो इसी समय पे जिस तरह से मैं इस तरह से दो दो चुटकी इसमें चीनी डाल रही हूँ, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। मीठा ज़्यादा मीठा खाते हो तो, नहीं तो 1.5 लीटर दूध के लिए 1 कप कंडेंस मिल्क, और ये हम 4 बार इसमें, मतलब 1 चम्मच चीनी को हमें 4 बार डालना है, दो दो चुटकी करके। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें 3 बार ही चीनी डाली है अभी, दो दो चुटकी करके, और आप लोग इसमें दाने देख सकते हैं। और दूध भी हमारा पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें चौथी बार फिर से 2 चुटकी चीनी इस तरह से इसमें डाल देंगे, और अब चीनी हटा देंगे। अब हम इसको बिल्कुल एकदम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसी तरह से हमें बीच में चलाना है और किनारे पर नहीं चलाना है। कम से या कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे हमें, और फ्लेम हमारी शुरू से हाई ही चल रही है, और इस समय भी हाई फ्लेम पर हम पका रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी मलाई थी और ये दूध, ये देखिए इसमें दाने आप लोग देखिए, और हाई फ्लेम पे हम लगातार इसको चलाते हुए से चलाना है। और ये जो मलाई है, ये हम बाद में अपने दूध में मिक्स करेंगे, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूध पकते पकते बहुत ही थोड़ा सा रह गया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे, बिल्कुल सिम, और इसको इस तरह से हम चलाएंगे। और ये जो हमारी चारों तरफ मलाई लगी हुई है, इसको भी हम धीरे धीरे इसी दूध में डालते जाएंगे। इस तरह से डालेंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम कर देंगे। यदि हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये हमारी जो बर्फी है वो लाल लाल हो जाएगी,
तो इसीलिए गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे, और ऐसे बनाएंगे तो हमारी बर्फी सफ़ेद रहेगी। ये हमने पूरी जो इधर उधर हमारी मलाई चारों तरफ चिपकी थी वो हमने पूरी बीच में मिक्स कर ली। अब हम इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पर एकदम से टाइट, खोया टाइट, जैसे खोया टाइट होता है उस तरह से हमें इसको पकाना है। इस तरह से लगातार नीचे तली से चलाएंगे, इस तरह से तली से चलाते हुए, और इस तरह से हम पकाएंगे। बिल्कुल टाइट, एकदम खोए जैसा बना लेंगे अपने दूध को। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो खोया है बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, और गैस हमारी बिल्कुल सिम है। और आप लोग इसके दाने भी देख सकते हैं, ये देखिए लच्छे दाने इस तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्पैचुला जिससे हम चला रहे थे, स्पैचुला को साफ करके इसमें जो मलाई लगी है वो भी इसी खोए में डाल लेंगे, और अब हम इसमें कंडेंस मिल्क मिलाएंगे। आप लोग, कंडेंस मिल्क की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही पड़ी हुई है, तो कृपया करके आप लोग ज़रूर देखें, और इसी तरह से आप लोग भी बर्फी बनाएं इस दीपावली पर, और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो कंडेंस मिल्क हमने इसमें डाला है, इसको भी हम अपने खोए में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से नीचे से स्पैचुला को चलाते हुए तली में, और गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, दाने आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छे दाने पड़े हमारे खोए में, ये देखिए। तो आप लोग भी ज़रूर बना करके इंजॉय करिएगा, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी, आप लोग मेरा सहयोग करते रहिए। ये देखिए, ये हमारी बर्फी बस और 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। हम इसी तरह से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम इस तरह से अपने खोए को चलाएंगे, और अगर हम इस तरह से मैश करके चलाएंगे तो ये जो दाने हमारे जितने भी पड़े हैं वो सब इसमें घुल जाएंगे, और हमारी दानेदार बर्फी बनके तैयार नहीं होगी। तो हमको इसी तरह से उठा उठा कर नीचे से अपने खोए को चलाना है, हमें घोटना नहीं, इस तरह से चलाना है इस करके बस। और 1 से 2 मिनट हम इसको इसी तरह से चलाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे, और 1 से 2 मिनट इसी तरह से हम चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दूध है कि दूध में से घी भी निकलने लगा हमारे खोए में से, ये देखिए आप लोग बस। और थोड़ा सा इसी तरह चला लेते हैं, और ये हमने अपनी टिन को भी इसी में हम बर्फी निकालेंगे, और इसी को हमने ग्रीस करके देसी घी से तैयार कर लिया है। और आप लोग चाहे रिफाइंड ऑयल से या देसी घी से किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और चला लें इसको हम, और बहुत ही अच्छी दानेदार बर्फी बन के हमारी तैयार होगी दोस्तों। आप लोग यदि इलायची खाना पसंद करते हो तो इस समय पर इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर या इलायची के दाने जैसे भी आप लोग खाते हो। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, हमारे खोए ने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और 1 मिनट तक इसी में थोड़ा सा चलाएंगे। अब हम इस खोए को निकाल करके अपनी टिन में
सीधे ही जमा देंगे। आप लोग जैसे चाहे मोटी पतली जैसे भी शेप में बर्फी जमाना चाहें जमा सकते हैं। अगर इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग मेवा डालें, इच्छा हो तो डालें, ना इच्छा हो तो ना डालें, कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये अपने आप में ही इतनी स्वादिष्ट बर्फी बनेगी कि आप लोग एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हमारी दानेदार बर्फी बन करके तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 से 4 घंटे के बाद हमने अपने खोए को निकाला है इस टिन में से। देखिए एकदम क्लीन निकली है टिन, और ये इसकी थिकनेस देखिए आप लोग, और दाने चेक करिए, बिना नींबू बिना विनेगर कितने अच्छे हमारी बर्फी में दाने आए हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये मैंने पिस्ता को महीन महीन काट के लिया, इसको हम इस पर इस तरह से लगा देंगे। आप लोग एक बार ज़रूर बना करके इस दीपावली पर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो ये लीजिए, हमने अपने बर्फी को डेकोरेट कर दिया। अब हम इसे आपको कट करके भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको अपनी बर्फी कट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट। ये देखिए दाने आप लोग, बिना विनेगर बिना नींबू के दानेदार बर्फी हमारी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग भी इस त्यौहार पे या जब मन हो आप लोगों के खाने का तब बनाएं, व्रत में बनाएं, जब इच्छा हो तब बनाएं खाएं। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।